नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेज में दोस्तों मैं हूं कुमार वर्मा क्या हाल चला आप सभी लोगों का कैसे हैं शानदार जबरदस्त जिंदाबाद बताइए भाई सभी लोग अच्छे हैं बहुत बढ़िया अच्छा ही होना चाहिए लाइट की समस्या थी इसलिए जो है थोड़ा सा देर से क्लास स्टार्ट हुआ जनरेटर ऑन हो गया है चल रहा है जनरेटर चल रहा है आपका क्लास भी स्टार्ट हो गया है जनरेटर आने से फायदा ये मिला है कि क्लास आपका डिस्टर्ब नहीं होगा थोड़ा तो सा लेट हो जाएगा लेकिन डिस्टर्ब नहीं होगा मिराज मिराज अख्तर स्वागत है बेटा आपका स्वागत है बहुत बहुत स्वागत है शिवशंकर गुप्ता जी जय हिंद आर जे एस नवीन मिश्रा मुख्तार खान और मुस्कान सिंह वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार है तो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं आज का और देखते हैं क्या है प्रश्न अच्छा एक चीज और बता देता हूँ कल से आपका जो जीके जीएस का क्लास है हमारा जीके जीएस का जो क्लास है एसएससी जीडी वाला जीके जीएस जो आपका एसएससी जीडी का जीडी का क्लास रहेगा इसकी टाइमिंग याद रखिएगा कल सुबह ग्यारह ए एम पर है कल सुबह ग्यारह ए एम पर है एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही उसमें रहेंगे और कल के वीडियो से आपको करंट अफेयर भी लगातार उसमें देखने को मिलेगा यानी जो भी अब चालीस क्वेश्चन का सेट होगा उसमें करंट अफेयर लगभग दस क्वेश्चन करंट अफेयर डेली आपको मिलेगा ठीक है तो अब टाइमिंग चेंज हो गया है उस टाइमिंग चेंज के अकॉर्डिंग अब आपकी क्लासेस ली जाएंगे ठीक है ना तो सुबह कल 11 बजे जरूर मुलाकात करिएगा हमसे वहीं होगी बातचीत चलिए आइए सवाल देखा जाए क्या कहता है बेटा कह रहा है न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है यानी वो कौन सी ऐसी घटना है पृथ्वी के ऊपर जो क्या होती है एकदम क्षणिक होती है क्षणिक की बात कर रहा बहुत बढ़िया अंकित गोदे गोदे कर बेटा लाजवाब आंसर है शानदार प्रदर्शन है देखिए अगर तूफानी की बात करें बर्फीली तूफानी की बात करेंगे तो ये तूफान चलता रहता है एक दिन भी हो सकता है दो दिन भी हो सकता है भूकंप जो आता है ये भी क्षणिक नहीं होता है है ना ये भी समय लेता है ज्वालामुखी विस्फोट होता है मैग्मा बाहर आता है जमता है तो प्रक्रिया में समय टेक टाइम टेकिंग होता है और बिजली का जो चमक होता है बिजली का चमक का मतलब इसी को तड़ित झंझा कहा जाता है यही आपका तड़ित झंझा है तो तड़ित झंझा कौन है बाबू तो आप कहेंगे यही है गुरु जी तड़ित झंझा याद रखिएगा बिजली का चमक जा बिजली चमक आग? का चमकता क्यों है आखिर में क्यों बिजली चमकती है क्यों गड़गड़ाहट होती है क्यों गड़गड़ाहट होती है बताइए क्यों क्यों होती है तो जब ठंडी और गर्म वायु राशि का जहां मिलन होता है ठंडी और गर्म वायु राशि का जहां पर मिलन होता है तो जब ठंडी गर्म हवाएं मिलती हैं तो वहां पर होती है उस टकरी की वजह से होता है आवाज़ सर इस बार की वैकेंसी कितनी आएगी ये याद रखिएगा लगभग एक लाख के आसपास आएगी और आपको उसमें से एक सीट आपको लेना है पक्का करना है है ना इस हिसाब से आप पढ़ाई करिएगा देखिए ताली कोटा का युद्ध पहला सवाल बनता है ताली कोटा का युद्ध कब हुआ पहला सवाल तो ही बन गया दूसरा कह रहा है समय विजयनगर साम्राज्य में कौन राजवंश राज कर रहा था विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहा है तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था पहला सवाल तो ही बनता पंद्रह कहेंगे पैंसठ में हुआ था। में तालीकोटा का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था तो आप कहेंगे जो आपका दक्कन का दक्कन 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 सल्तनत जो हुआ करता था सल सल सल्तनत तो दक्कन सल्तनत वर्षेस किसके बीच तो आप कहेंगे विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था वर्षेस विजयनगर विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था ये दो साम्राज्यों के बीच हुआ था जिसमें विजयनगर साम्राज्य की अगर बात किया जाए तो पूरी तरीके से क्या हुआ था ये हार हुआ था इनको इनको हार हासिल हुई थी हार हासिल हुई थी याद रखिएगा ये तुलुआ राजवंश चल रहा था और तुलुआ राजवंश में एक राजा था राजा था राय याद रखिएगा राजा का नाम था कहेंगे सदा शिवराव इसका नाम था सदा शिव राय था ये राय जो साहब जो थे कठपुतली मात्र शासक थे कठपुतली मात्र शासक थे साउंड स्पीड लाइट से कमजोरी है आवाज कम आ रही है क्या एक बार बताइए जरा आवाज सही है कि नहीं है सही है आवाज बताइए तो एक व्यक्ति था उसका नाम था राम राय देखिएगा इसी का एक मंत्री था उसका नाम था राम राय, तो राम राय था राम राय। तो राम राय जो मंत्री था ना ये इसका मंत्री जो है पूरी शक्ति इसके हाथ में रहती थी और यह कटपुतली की तरह शासक करता था कटपुतली मात्र था कटपुतली मात्र कट मात्र इसका शासन चल रहा था तो अब बात आप समझ गए तुलुअर तुलुअर राजवंश चल रहा था उसमें विजयनगर साम्राज्य में तेरह में इसका स्थापना होता है भारीहर बुक्का के द्वारा पंद्रह में युद्ध लड़ा जाता है किसके बीच दिल्ली सल्तनत और साथ में विजयनगर साम्राज्य जिसमें विजयनगर साम्राज्य की क्या होती है हार होती है पूरी तरीके से और यहाँ पर सदाशिव राय ये शासक होता है विजयनगर साम्राज्य का त्रिराज राजवंश का और गियर में आ जाता है क्योंकि पूरा का पूरा सत्ता इसके हाथ में चलता है इसके मंत्री के हाथ में रहता है नाम है राम राय बात समझ गए ना राम राय ठीक है ना बहुत अच्छा बेटा है यार देखा अगला है पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को कह रहा पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है तो ये बताइए पृथ्वी के अंदर हमारा जो पिघला हुआ पत्थर है मान लीजिए जो पृथ्वी है पृथ्वी ये पृथ्वी का क्रष्ट है क्रष्ट है अब इस पृथ्वी के क्रष्ट से मैग्मा बाहर आता है ये बात तो आपको पता ही है तो मैग्मा पृथ्वी के अंदर रहता है मैग्मा इस तरीके से बाहर की तरफ आता है और जाकर करके ठोकर मारता तो है पृथ्वी के क्रष्ट को इसको चूर चीरते फाड़ते पृथ्वी से इस तरीके से बाहर आ जाता है और जा करके ऐसे जम जाता है जाके ऐसे जम गया ये भी जम गया यहाँ भी जम गया तो इस प्रकार से क्या मिला तो आप कहेंगे ज्वालामुखी का उद्गार होता है यही क्या है ज्वालामुखी यही आपका ज्वालामुखी उद्गार है ये बात आप समझ लीजिए इसको ज्वालामुखी उद्गार कहा जाता है यही है और ये जो आपका मैग्मा है इसी को मैग्मा कहा जाता है प्रारंभिक अवस्था में मैग्मा होता है जब जमता है तो इसे लावा कहा जाता है लेकिन पृथ्वी के अंदर की बात की जाए तो ये क्या है सब ये मैग्मा है ठीक है ना मैग्मा है याद रखिएगा चला आगे बढ़ा जाए ओजोन की परत में रिक्तिकरण किसके कारण होती है कह रहा है ओजोन का जो परत है

जितने भी प्रकार के रेफ्रिजरेटर चलते हैं ए चलता है उन सब से एफ सी का ही क्या होता है बहुत मात्रा उसकी निकलती है और जा करके जो लेयर होता है ओथरी का जो ओथरी का लेयर होता है समताप मंडल में ये कौन है तो आप कहेंगे ओथरी है किस लेयर में पाया जाता है तो आप कहेंगे जो पृथ्वी का लेयर है समताप मंडल है यानी ये मंडल कौन सा मैं बनाया हूं समताप मंडल है ये समताप मंडल है स्टेटो कहा जाता है तो इसी मंडल में याद रखिए रासायनिक अभिक्रिया होती है ये मान लीजिए पृथ्वी है ये सपोज दैट पृथ्वी है तो पृथ्वी के सतह पर आप क्या कर रहे हैं यहां से सीएफसी छोड़ रहे हैं यहां से आप सीएफसी छोड़ रहे हैं सीएफसी ये क्लोरोफ्लोरो कार्बन है समताप मंडल में जब दिन में प्रकाश पड़ता है इसके ऊपर तो ये क्या होता है ये क्या होता है तो आप कहेंगे दो पार्ट में टूटता है एक ओ2 में टूटता है ऑक्सीजन में और एक ओ ओ का मतलब नवजात ऑक्सीजन होता है और जा करके ये जो क्लोरीन है हाँ ना? है ना क्लोरोफ्लोर, देखिए सी एफ सी है क्लोरोफ्लोरो, क्लोरो का मतलब क्लोरीन यही क्लोरीन जा करके इसे क्लियर कर देता है क्लोरीन मिल जाता है इस इस ओ से मिल जाएगा और इस से मिल करके क्लोरो ऑक्साइड बना देगा सीएलओ बना देगा तो इस प्रकार से जितने भी ओथ्री के अणु ऐसे टूटे रहते हैं दिन के समय में प्रकाश जब पड़ता है गर्मा करके छोड़ देते हैं इसी वजह से क्या होता है ये यहां जब दोबारा से रात्रि के समय में ये दोनों कंबाइंड फिर से हो जाते हैं ओथरी बना देते हैं लेकिन ये बताइए जब वो रहेगा ही नहीं तो ओथरी कैसे बनेगा नहीं बन पाएगा नहीं बनेगा तो मैटर गबरा जाएगा तो इसीलिए क्या होगा क्षण होगा और इस समय वर्तमान में अंटार्क्टिका महाद्वीप आप जानते होंगे वहां पर लगभग दस लाख दस मिलियन लाख वर्ग किलोमीटर का सबसे बड़ा छिद्र देखा गया है उन्नीस में ठीक है आगे देखिए सरिस्का और रड़ की बात करता है सरिष्का सरिस्का और रणथंबोर निम्न में से किसका एक सुरक्षित स्थान कहा जाता है तो दो ये सरिस्का दोनों प्रकार का ये दोनों क्या है तो आप कहेंगे राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहा पाया जाता है पहला सवाल याद रखिए कहां पाया जाता है तो कहेंगे राजस्थान में पाया जाता है तो राजस्थान में स्थित है किसके लिए संरक्षण देता है तो आप कहेंगे बाघों को देता है बाघों को देता है बाघों को, को देता है बात समझ गए ना बी कह रहे हैं बी डीर हिरण नहीं है हिरण का नाम ना लीजिएगा है ना रोशन हिरण नाम ना लीजिएगा क्या कहेंगे बाघ का नाम लीजिएगा सरिस्का और रण दोनों में संरक्षण दिया जाता है आगे देखिएगा तो हल्का सा भी तापमान बढ़ेगा भाग का सिना आग लग जाएगा तुरंत आग लगेगा इसीलिए इसको पानी में रखा जाता है इसीलिए इसको पानी में रखा जाता है मिशन वर्दी रोशन बाबू देखा उच्च ज्वलन तापमान बहुत अधिक होता है कह रहा है फिर ज्वलन तापमान मान लीजिए अगर अधिक होगा तब पानी में रखने कोई आवश्यकता नहीं होगी है ना तब आवश्यकता ही नहीं है बिल्कुल नहीं आवश्यकता है क्योंकि तापमान उसका ज्यादा है ज्वलन मतलब इग्निशन मतलब वो टेम्परेचर होता है इग्निशन जिस पर कोई वस्तु जल जाए तो ज्वलन तापमान बहुत कम होता है कह रहा बहुत कम होता है ठीक है बहुत कम होता है अगला कह रहा क्रांतिक की बात आ गया यहाँ पर उसका क्रांतिक ताप की बात आ गया तो आप बात समझ के एकदम सही आंसर आप सभी लोग दिए हैं यानी फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है जिससे आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा होता है ठीक है ना चलिए आगे देखा जाए माउंट आबू की बात हो रहा है माउंट आबू देखिएगा यह एक प्रकार का हिल स्टेशन है यानी एक प्रकार का स्वास्थ्य वर्धक स्थल है जहां लोग घूमने जाते हैं छुट्टियां मनाने जाते हैं शादी ब्याह की बात है यार देखा मशहूर दिलवाड़ा जैन मंदिर है यानी मशहूर दिलवाड़ा मंदिर है और दिलवाड़ा मंदिर क्या है तो कहेंगे तो पांच जैन मंदिरों का समूह है पांच जैन मंदिरों का क्या है समूह पांच जैन मंदिरों का क्या कहा जाता है समूह कहा जाता है पांच जैन मंदिरों का समूह है ये बात आप समझ गए ना तो जैन हो गए जैन धर्म से संबंधित है एक बात याद रखिएगा माउंट आबू जो माउंट आबू है कहां पड़ेगा तो आप कहेंगे राजस्थान में पड़ेगा और यही माउंट आबू के पास क्या अवस्थित है आप कहेंगे गुरु शिखर चोटी है यानी गुरु शिखर जो चोटी है ना सत्रह मीटर याद रखिएगा सत्रह मीटर इसकी ऊंचाई है अरावली तो की सबसे ऊंची चोटी है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसी माउंट आबू के पास यहां पर क्या है तो यहां पर ब्रह्म कुमारी कुमारी संस्था है ब्रह्म कुमारी बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूं ब्रह्म कुमारी क्या है संस्था अब कहेंगे ये कौन सा नया टी आ गया तो ब्रह्म कुमारी संस्था वो संस्था है जहां पर बहुत बड़े स्तर पर खाना बनाया जाता है यानी एक प्रकार का सोलर सिस्टम है यहां पर सोलर सिस्टम है सोलर कुकिंग सिस्टम है ये ठीक है ना ब्रह्म कुमारी इसी माउंट आबू के पास है ये बात याद रखिएगा आगे देखिए निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है यानी देखिएगा शिक्षा के अधिकार की बात कर रहा हूं और आपको पता है शिक्षा का अधिकार क्या है ना भर सकता है क्या हैंडीकैप्टार भर सकता है क्या हैंडीकैप्ट बेटा एस एस में सेवा करना रहता है उसमें तो दिक्कत होगी भरने में है ना भरने में दिक्कत होगी आगे देखिए चलिए तो कौन सा हो जाएगा कहेंगे छियासी संविधान संशोधन होता है ये कब होता है कहेंगे 2002 में होता है संविधान संशोधन और इस संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया शिक्षा का जो अधिकार है ये अधिकार क्या है मौलिक अधिकार बना दिया गया एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपका छियासीवा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है यानी संविधान संशोधन है इसके तहत इसको संविधान में दो जगह जोड़ दिया गया है ना 2002 में हुआ था आपको पता है ये 2002 में शिक्षा का यह संशोधन हुआ था तो तो जोड़ा गया तो एक आपका फंडामेंटल ड्यूटी में जोड़ा गया फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया और फंडामेंटल राइट में कहा जोड़ दिया गया तो आप कहेंगे एक ही तो इससे संबंधित आर्टिकल है का ए तो का ए में जोड़ दिया गया और कहां पर फंडामेंटल ड्यूटी में मौलिक कर्तव्य में कौन सा इग्राहवा कर्तव्य बना दिया गया ग्रामा कर्तव्य के रूप में शामिल कर दिया गया और वास्तव में अगर बात किया जाए ये दोनों के दोनों कितने वर्ग आयु के बच्चों के लिए है तो छह से चौदह वर्ष याद रखिएगा छह से चौदह वर्ष बालकों के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है समझ गए ना चला तो बात आप समझ चुके हैं तो आपके सवाल का आंसर क्या हुआ तीन हुआ नेक्स्ट सवाल सबसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात कर रहा है चलिए इसका बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात कर रहा है तो एक तो आपका ग्रीनलैंड दे रहा एक 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 है एक आइसलैंड एक न्यू गिनिया एक मेडा और सवाल पूछ दिया उल्टा सवाल पूछ दिया चार दिया चार्थो, चार्थो, दिया सवाल उल्टिया दिया। देख रहे ना उल्टा सवाल पूछा है क्या होगा बताइए इधर देखा शिव शंकर गुप्ता ने कहा डी होगा सुना खातून ने कहा ए होगा इधर देखिए बेटा अगर मान लीजिए पूछता सबसे बड़ा दीप पूछता अगर पूछता सबसे बड़ा द्वीप सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछा जाता तो आप एक ही बात कहते वो ग्रीनलैंड है ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है जो कि आर्क उत्तरी 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 अटला अटलांटिक महासागर में स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है पूरे दुनिया में अंटार्कटिका सबसे ज्यादा बर्फ की मोटी मोटी चदर पाई जाती है अंटार्कटिका में लेकिन इसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो ग्रीनलैंड का आता है यहां पर आपसे सवाल पूछा था बहुत बढ़िया क्या बात है बेटा दिलवा जीत लिहला बेटा सुमित पराक मांडो एकदम दिल जीत लिया दिल गार्डन गार्डन हो गया कुमार वर्मा का लाजवाब बेटा याद रखिएगा इंडोनेशिया इसका आंसर होगा इंडोनेशिया इसका आंसर होगा इंडोनेशिया जो है पूरे दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है सबसे, सबसे बड़ा क्या है सबसे बड़ा द्वीप समूह है यानी यहां पर इन इन द्वीप समूहों में लगभग तेरह हजार द्वीप पाए जाते हैं तेरह हजार द्वीपों का एक श्रृंखला है जिनमें छह हजार द्वीपों पर आबादी पाई जाती है

आपको पता है ना नदियां जब चलती हैं है ना द्वीप समूह पूछा था हाँ मिशन इसीलिए द्वीप समूह पूछा था ना इसीलिए उसका इंडोनेशिया हो जाएगा अगर द्वीप की बात करता तब तो आपका वो हो जाता यहां देखिए समुद्र में आपको पता है कि समुद्र का पानी कैसा होता है खारा होता है शिशिर ने सी ठोक दिया है कौन सा हो सी देखा जाए पृथ्वी नदियां पृथ्वी से लवण बहा कर ले जाती है <coughs> बहुत बढ़िया बेटा क्या बात है शिशिर लाजवाब शिशिर के लिए एक ताली है एकदम सही आंसर किया जब नदी बहती है तो पृथ्वी से होते हुए जाती है तो पृथ्वी के चट्टानों में बहुत सारे प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं उनमें लवण की मात्रा भी पाई जाती है वो नदी के पानी में घुल जाता है और जा करके हरा करके समुद्र में गिर गया और समुद्र का पानी क्या हुआ खारा हुआ क्योंकि नदी तो लगातार पानी गिरा रही है समुद्र को ही दे रही है इसीलिए समुद्र का जल सर्वाधिक खारा होता है इधर देखिए यहां पर समुद्र का औसत खारापन कितना है सवाल आता है औसत खारापन जरा करिएगा कमेंट करिएगा खारापन औसत खारापन कितना है समुद्र का बताइए समुद्र का औसत खारापन कितना परसेंटाइल है चलिए बताइए तीस परसेंटाइल पैंतीस परसेंटाइल अरे वाह रोशन बाबू रोशन कर दिए नाम बेटा शानदार रोशन कर दिए क्या हो जाएगा कहेंगे पैंतीस परसेंटाइल है पैंतीस परसेंटाइल है दूसरा सवाल हमारा ये है कि सर्वाधिक लवड़ी झील कौन सी है यह सवाल बताइए जल्दी बताइए फटाफट सर्वाधिक लवड़ीय झील कौन सी है लवड़ीय झील कौन तो सा है सबसे ज्यादा खारा झील कौन है चलिए बताइए सर्वाधिक लवणी झील की बात करता है पूरे दुनिया में बात कर रहा है नाम बताइए कौन सा है वान झील अरे वाह रोशन जिया हो बाबू शानदार पी के लड़का आया बैठा है बहुत अच्छा हाँ। एकदम सही बात है वान झील ये वान झील है कहाँ का है कहेंगे तुर्की का है तुर्की का वान झील है दुनिया में सबसे खारा माना जाता है पहले नंबर पर ही है और दूसरे नंबर पर नाम आता है मृत सागर का तो मृत सागर का भी नाम यहाँ पर याद रखिएगा मिर्सागर ठीक है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलिए ये मिर्सागर ये इजराइल और जार्डन की सीमा पर इजराइल कंट्री है ना और जार्डन भी है ना तो इजराइल की बाउंड्री पड़ता है चलिए तो सवाल का आंसर एकदम सही आप सभी लोग इधर देखिए रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है रियो शिखर सम्मेलन पहला सवाल इधर देखिए पहला सवाल यही बनता है कि रियो रियो शिखर सम्मेलन रियो शिखर सम्मेलन की बात कर रहा है तो देखिए रियो जो है यह ब्राजील का एक शहर है कहां का शहर है तो आप कहेंगे ब्राजील का एक शहर है और एक सम्मेलन हुआ था वर्ष उन्नीस में सम्मेलन हुआ था वर्ष उन्नीस में किससे संबंधित था रोशन बहुत बढ़िया बेटा क्या बात है एमडी मानुअर शानदार प्रदर्शन सब्बास बेटा शब्द ये कौन है जैव विविधता पर सम्मेलन था याद रखिए उन्नीस में हुआ था और यह ब्राजील का एक शहर है एक शहर है ठीक है ना समझ गए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले तरफ बढ़ते हैं भारत में किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है चलिए अब बताइएगा महलों का शहर कौन है चलिए महलों का शहर बताइएगा महलों का शहर नवीन नवीन मिश्रा क्या बात है कोलकाता शिशिर अरे वाह शिशिर समित गजब का आंसर है हाँ भाई ये कौन है कोलकाता है तो कोलकाता को महलों का शहर भी कहा जाता है और याद रखिएगा कोलकाता के बारे में इसे सिटी ऑफ जाय कहा जाता है सिटी ऑफ क्या कहा जाता है तो आप कहेंगे जाय कहा जाता है सिटी ऑफ जाय भी कहा जाता और भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कही जाती है भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कही जाती है तो सांस्कृतिक राजधानी कौन है तो आप कहेंगे यही है है, गुरुजी, है है ई ई तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी यही है अच्छा ब्रिटिश काल में आपको पता है ना कि 1911 सौ ईस्वी तक क्या था 1911 तक क्या थी ब्रिटिश भारत की राजधानी थी याद रखिएगा ये ब्रिटिश भारत की क्या थी ब्रिटिश भारत की क्या थी राजधानी भी थी ये भी बात यहां पर लपेट लीजिएगा ठीक है बहुत बढ़िया अति सुंदर कार्य जल्दी कट्टू की बात करता है जला के राख कर दूंगा तू मिल हमसे शिशिर बताइए बताइए शिशिर है ना बताइए हाँ उन्नीस से नई दिल्ली हो गया था है ना दिल्ली दरबार लगा था उसी दिल्ली दरबार से ठीक है दिल्ली दरबार उन्नीस में ही लगा था लेकिन उन्नीस में कर दिया गया था चलिए पोंगल पोंगल या वाक क्या बात वा है देखिए जली कट्टू जो है जली कट्टू कह रहा किस त्यौहार से जुड़ा हुआ है जो फसल कटाई का त्यौहार होता है उसी से जल्दी कट्टू जुड़ा हुआ है और जल्दी कट्टू में क्या होता है कहेंगे बैलों का दौड़ होता है इसमें तो बैलों का दौड़ कराया जाता है और इस बैल के सिंग में पैसे की पैसे का पैसे का जो है थैला बांध दिया जाता है और जिस व्यक्ति के अंदर अमरेंद्र बाहुबली तरह ताकत होता है वो जा करके पकड़ लेता है और वो जो काबूम करता है बैल बैल को वही असली विजेता होता है तो को पोंगल पर मनाया जाता है एक याद रखिएगा कंबाला एक कौन सा होता है कंबाला होता है तो कंबाला में भैंसों का नाटक होता है इसमें क्या होता है भैंसों का भैंसों का दौड़ होता है और वहां पर आपने देखा किसका बैलों का दौड़ होता है क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसमें भैंसों का होता है किसमें बैलों का होता है और, और कंबाला कहां पर है करें कहीं कर्नाटक का है और आपको पता है ना कर्नाटक कर्नाटक का मतलब नाटक नाटक बहुत होता है कंबल के अंदर कंबल के अंदर भैंस में सब बहुत नाटक करते हैं और जल्ली कट्टू जल्ली कट्टू कहां का है टीएन मतलब तमिलनाडु का है तो तमिलनाडु का मतलब तू मिल हमसे तब हम बताएंगे कैसे जलाया जाता है इधर देखिए राज्यसभा के सदस्यों का वह उस किसके किसके द्वारा द्वारा कह रहा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव चुनाव इनका चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है विधानसभा के चुने हुए सदस्य द्वारा विधान परिषद के चुने सदस्यों द्वारा जनता द्वारा या लोकसभा के द्वारा होगा जल्दी बताइएगा सर बिहार में पेपर लीक हो गया बिहार पुलिस का जिसके कारण बीपीएससी बी एस सी का तैयारी करें कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है बाबू अब क्या करबो अब क्या करेंगे बताइए क्या करेंगे अब यही सब चल रहा है यही सब चल रहा है लड़का जो है दिन रात एक करके पढ़ मेहनत कर रहा पढ़ाई कर रहा है और बाद में पहले आदमी पेपर देने के बाद आता पहले यही देखता कहीं पेपर लीक तो नहीं हुआ है अब पता चल रहा लिख और लीक बेचारा परेशान क्या करे इसमें बच्चा पीसता है चलिए विधानसभा का तैयारी करिए तैयारी अपना पीछे मत छोड़िए तो विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा होता है और ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है? कहेंगे चौरासी। तो एक अनुच्छेद है कौन सा है? तो कहेंगे अनुच्छेद 84 है यही करता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा होता है अब राज्यसभा के सदस्य जब चुनाव जाएंगे तो इनका कार्यकाल कितना होगा तो कहेंगे इनका जो कार्यकाल होगा छह साल होगा छह वर्ष इनका कार्यकाल होगा और याद रखिएगा इन्हीं सदस्यों का जो कार्यकाल छह वर्ष है प्रत्येक दो वर्षों में क्या होता है प्रत्येक दो वर्षों में दो वर्षों में कितने रिटायर होते हैं कहेंगे एक बटा तीन आदमी क्या होता है एक बटा तीन आदमी प्रत्येक दो वर्ष में दो बटा तीन आदमी क्या होता है दो बटा तीन आदमी क्या होता है रिटायर हो जाता है ठीक है ना रिटायर हो जाता है बात समझ गए चलिए अच्छा हाँ एक बटा तीन गड़बड़ा दिया दिए गड़बड़ा घबड़ा दिए तो क्या हो जाएगा एक बटा तीन आदमी क्या होता है रिटायर होता है चलिए यार देखा और अगले ही उतने अगले वर्ष में उतने ही आ जाते हैं चलिए इधर देखिए निम्न में से कौन सा बौना ग्रह है बौना ग्रह की बात कर रहा है बवना ग्रह बौना ग्रह ये देखिए बौना ग्रह की बात कर रहा है तो बौना ग्रह कौन सा कहेंगे एरिस आपका एक बौना ग्रह है और एक आपका साइरस याद रखिए साइरस ये सा साइरस भी एक प्रकार का बौना ग्रह ही है और साइरस पाया जाता तो यह एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है यह है एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है साइरस और ये मंगल और किसके बीच प्राप्त होता तो आप कहेंगे ये जो है मंगल बृहस्पति के बीच है स्थित मंगल और किसके बीच तो आप कहेंगे बृहस्पति ग्रह के बृहस्पति ग्रह के बीच पाया जाता है कौन क्षुद्रह का बेल्ट पाया जाता है जिसमें साइरस सबसे बड़ा माना जाता है है ठीक ना चलिए यही कहा जाता है वहामी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है तो वहामी आंदोलन का एक ही तो उद्देश्य था एक ही तो उद्देश्य था कौन सा तो आप कहेंगे इस्लाम को परिशुद्ध करना यही इसका मेन उद्देश्य था बस इसको याद रखिए आगे देखिए जिस स्पेस शटल अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स पृथ्वी से परे गई थी उसका नाम क्या था पृथ्वी से अंतरिक्ष में गई थी उन, उन, उनका उ, उ, उसका नाम क्या था तो उसका नाम क्या था तो आप कहेंगे गुरुजी, उसका नाम अगर बात किया जाए तो कौन सा डिस्कवरी है उस उस यान यान का नाम क्या था? उस यान का नाम नाम क्या क्या था था अंतरिक्ष डिस्कवरी है तो डिस्कवरी का बात याद रखिएगा डिस्कवरी ये दो में तो दो की यह घटना है तो दो का कहानी भी याद रखिएगा डिस्कवरी नामक यान था उसी गई थी आगे बढ़ते हैं निम्न में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है सती प्रथा का उल्लेख कौन सा ऐसा कौन सा अभिलेख है जो देता है तो एक इलाहाबाद में अस्तंभ शेख है और भानुगुप्त का कौन सा है 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 भानुगुप्त का अभिलेख ठीक कौन सा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा सुचिता शिशिर बताइए एकदम सही बात है एरड़ अभिलेख एरड़ अभिलेख किसका है तो कहेंगे भानुगुप्त का यह भी नाम याद रखिएगा भानुगुप्त का तो एर अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है सती प्रथा का उल्लेख मिलता है ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है लाल दिखाई देने के पीछे कारण क्या है जब सूर्योदय होता है और जब सूर्यास्त होता है तो आपको सूरज आपको इस तरीके से दिखाई देता है सूरज आपको ऐसा दिखाई देगा ये आपका क्या है सूरज है ये सूर्य है ऐसे दिखाई देगा एकदम लाल दिखाई देगा लाल तो लाल दिखाई देने के पीछे कारण क्या है यही तो कह रहा है सुचिता क्या आंसर आ रहा है बेटा इधर देखिए क्या आ रहा है दो आ रहा है बी आ रहा है प्रकीर्णन क्या बात है शिशिर एकदम सही बात है जब सूर्योदय हो रहा होता है तो प्रकाश की तिरछी किरण पृथ्वी सतह पर आती है सूर्यास्त हो रहा होता है तो भी तिरछी सतह पृथ्वी पर आती है जब ये वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल में बहुत सारे जल के जल जलवाष्प है बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स हैं तो उन सबों से सभी से क्या होता है जाकर के टकराता है वो रंग वो सभी प्रकाश जाकर टकराता है और टकराने की वजह से क्या होता है उसका स्केटरिंग बहुत ज्यादा हो जाता है लगभग सभी रंगों का हो जाता है सिवाय लाल के तो सिवाय लाल के मतलब लाल रंग का स्कैटरिंग बड़ा कम होता है सबसे कम होता है जिसके वजह से क्या होता है जिसके वजह से क्या होता है इधर देखिए ये आपका स्कैटरिंग समझिए ये आपका स्कैटरिंग है स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है स्कैटरिंग स्कैटरिंग का मतलब प्रकीर्णन कहते हैं ये प्रकीर्णन कहा जाता है और प्रकीर्णन जो होता है प्रकीर्णन जो होता है वो स्कैटरिंग जो होता है स्कैटरिंग ये भी बात याद रखिएगा यूनिवर्सली प्रोपोर्शन होता है वन अपान किसके तरंग दैर्ध्य के तो तरंग जो दैर्ध्य है यानी वेवलेंथ जो है इसके क्या होता है उल्टा का संबंध होता है जरा समझिएगा जैसे आपको पता है ना श्वेत प्रकाश में बी आई बी जी वाई ओ आर विभ्योर होता है सात रंग होते हैं वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो याद रखिएगा लैम्डा का मान हमेशा क्या होता बढ़ता है ये बताइए जब लैमडा बढ़ेगा जिसका ज्यादा होगा तो उसका स्कैटरिंग क्या होगा कम होगा और जिसका स्कैटरिंग कम होगा वो कौन है तो इसी यही ललका है तो ललका का तरंग दर सबसे ज्यादा है और वायलेट का तरंग दर सबसे कम है इसका मतलब स्केटरिंग इसका क्या है स्केटरिंग इसका सर्वाधिक है इसका स्केटरिंग सबसे ज्यादा है और इसका स्केटरिंग क्या है इसका स्केटरिंग क्या है तो आप कहेंगे सबसे कम है स्कैटरिंग सबसे कम है यही वजह होता है कि ज्यादा दूरी तय कर पाता है जब दादा ज्यादा दूरी तय करता है तो हमको दिखाई देता है तो लाल रंग का तरंग दर अधिक होने के कारण प्रकीर्णन अधिक होता है तो प्रकीर्णन कहाँ अधिक होता प्रकीर्णन तो कम होता है ना है ना यहाँ पर कह रहा है सूर्य परतों में से कह रहा है लाल को छोड़कर अन्य सभी का प्रकीर्णन हो जाता है सही बात है एकदम सही बात है तो चार नंबर हो गया अगला देखिए अगला है सुप्रसिद्ध पुस्तक है काबुली वाला की बात हो रहा है काबुली वाला काबुली वाला आया काबुली वाला आया काबुली लेके आया हाँ बेजानी हफीनाला भी कहा जाता है सुचिता एकदम सही बात है हिंदी में वही उसी को बेजानी हफीनाला भी कहते हैं ठीक है बहुत बढ़िया शिशिर बाबू बेजानी हपी बेजानी हफीनाला कह रहा हैं इधर देखिए काबुली वाला काबुली वाला आया चना लेके आया चना काबुली वाला आया काबुली वाया काबुली वाला आया रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत अच्छा बेटा एकदम सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर का है देखिए काबुली वाला की अगर बात किया जाए तो एक लड़की है बंगाल की उसका नाम है मीनी ये मिनी लड़की कहाँ है कहेंगे बंगाल की रहने वाली है हालांकि किताब रविंद्र बाबू ने रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और एक अफगान से आया हुआ है अफगान से आया हुआ है अफगान से आया हुआ है सूखा मेव, मेवा बेचने वाला सूखा मेवा बेचने वाला अफगान से एक व्यक्ति आया था उसका नाम था अब्दुल रहमान उसका नाम था अब्दुल अब्दुल रहमान खान रहमान खान रहमान खान।, खान तो ये जो पुस्तक है इन दोनों पर आधारित है मतलब मिनी जो लड़की है छोटी सी बच्ची है और अब्दुल रहमान जो सूखा मेवा बेचने आया इन दोनों के मित्रता की बात कर रहा है मिनी मैरिज नहीं है दोनों के मित्रता की बात हो रही है ना दोनों मित्रता का वर्णन किया गया बुली बुली, बुली बुली है रविंद्र टैगोर के द्वारा चलिए आगे बढ़ते हैं बुली-बुली ये बुली-बुली का बाबूहर देखा बुली शब्द का प्रयोग निम्न में से कौन से खेल से संबंधित कहेंगे बुली का मतलब हॉकी संबंधित है याद रखिएगा हॉकी आगे देखा जाए दुआब का मतलब क्या होता है दुआब का मतलब क्या होता है इसका मतलब कर... कह रहा क्या होता दो पर्वतों के बीच का भूमि होता है क्या कह रहा है दो पर्वतों के बीच भूमि होता है क्या उसके बाद कह रहा है दो झीलों के बीच भूमि होता है क्या उसके बाद कह रहा दो नदियों के बीच भूमि होता है क्या दो नदियों के बीच भूमि होता है क्या कह रहा है फिर दो समुद्रों के बीच भूमि होता है सी आ रहा बहुत बढ़िया बेटा तो आप कहेंगे दो नदियों के बीच जो भूमि होता है वही कहा जाता है जैसे मान लीजिए कोई नदी इस तरीके से बहते हुए जा रही है और इस तरीके से नदी ऐसे जाके मिल गई कोई नदी मान लीजिए ऐसे जाकर के मिल गई अब ये आपकी मेन नदी है तो इस प्रकार से दो दो नदी इस नदी और इस नदी के बीच देखिए आपका दुआब मिला और इस नदी और इस नदी के बीच भी एक दुआब मिला तो ऐसे ही पंजाब के मैदान में पांच प्रकार के दुआब है पंजाब के मैदान में क्या है पांच दुआब है पंजाब का जो मैदान है ना पंजाब मैदान ये पंजाब का जो मैदान है यहां पर दो पांच दुआब मिलता है तो देखिए पंजाब के दुआब में थोड़ा सा समय लगेगा एक मिनट देख लीजिएगा इसको नहीं भूल भूलेंगे नहीं सबसे पहले सिंधु नदी होती है सिंधु नदी के बाद कौन सा है।, है चिनाब है चिनाब के बाद चिनाब के बाद राबी है राबी के बाद क्या है ब्यास है और ब्यास के बाद है सतलज तो ब्यास के बाद क्या है सतलज है इन नदियों के बीच क्या है दुआब है यानी सिंधु और देखेगा इन दो नदी के बीच एक दुआब पड़ेगा इन दो नदी के बीच एक दुआब मिलेगा इन दो नदी के बीच एक दुआब मिलेगा इन दो नदी के बीच मिलेगा इन दो नदी के बीच मिलेगा ऐसे दुआब पांच दुआब एक दुआब सिंधु झेलम के बीच बनेगा एक दुआब सिंधु झेलम के बीच बनेगा नाम क्या है कहेंगे सिंध दुआब इसका नाम क्या है सिंध दुआब याद रखिएगा सिंध दुआब बात आप समझ चुके हैं दूसरा देखिए इनके बीच भी एक दुआब है झेलम चिनाब कहेंगे चज है उसका नाम क्या है चज दुआब यहां पर चिनाब राबी के बीच भी एक यहां पर दिखाई देगा चिनाब राबी तो क्या है तो कहेंगे रचना इसका नाम है रचना दुआब है इसी प्रकार से राबी ब्यास के बीच है राबी ब्यास के बीच है कौन सा है कहेंगे बारी दुआब है इसी प्रकार से इन दोनों के बीच भी एक दुआब है इन दोनों के बीच भी ब्यास और सतलज क्या है तो आप कहेंगे विस्त है तो बिस्त दुआब है तो पांच दुआब मतलब पंजाब में पांच दुआब पाया जाता है ठीक है ना चलिए तो बात आप समझ चुके हैं आगे देखा जाए और एक बात और याद रखिए क्वेश्चन ये बनता है कि जो दुआब होता है कौन से भाषा का शब्द है पूछता है जो दुआब है किस भाषा का शब्द है तो आप कहेंगे ये तो अरबी भाषा का शब्द है अरबी भाषा का क्या है शब्द है अरबी भाषा का शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है ना आगे देखिए कह रहा है लौंग किससे प्राप्त होता है दो प्रकार से सवाल लौंग से बनता है पूरे पेपर में चाहे कोई भी पेपर हो दो प्रकार का सवाल लौंग से बनता है एक तो फूल की कली प्राप्त फूल की कली से प्राप्त होता है लौंग दूसरा सवाल यह बनता है कि ये बताइए सर्वाधिक तो लगभग नब्बे परसेंट है लौंग उत्पादन कहां से होता है लौंग उत्पादन कहां से होता है तो आप कहेंगे लगभग नब्बे परसेंट ये आपका पेम्बा एक द्वीप पड़ता है पेम्बा द्वीप और एक द्वीप है जंजीवार एक आपका जंजीवार द्वीप है तो पेम्बा और जंजीवार जो द्वीप है इन्हीं दोनों द्वीपों से पूरे दुनिया का लगभग नब्बे परसेंट क्या होता है उत्पादन होता है लौंग का और ये कहां पड़ता है कहेंगे तंजानिया के पूर्वी तट पर जो तंजानिया कंट्री है तंजानिया के पूर्वी तट पर पड़ता है तो पूर्वी जो तट है तंजानिया का और ये किस महा यह जो द्वीप है किस महासागर में है तो आप कहेंगे हिंद महासागर में हिंद महासागर में द्वीप अवस्थित है तो बात आप समझ गए ना आगे देखिएगा दक्षिणी गंगोत्री क्या है दक्षिणी गंगोत्री क्या है तो दक्षिणी गंगोत्री गंगा मैया है है कि नहीं दक्षिणी गंगोत्री क्या है गंगा मैया है गंगा किनारे मोरा गांव हो घरे पहुंचा देवी मैया शिशिर ने कहा भी अरे वाह बेटा क्या बात है शिशिर शानदार तो अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है लेकिन अभी वर्तमान में दक्षिणी गंगोत्री क्या हुआ इसका एसी का टिकट कट गया है कब तो से कहेंगे देखिए इसका स्थापना हुआ था उन्नीस सौ में स्थापना हुआ था लेकिन वर्तमान में कार्यरत नहीं है कार्यरत नहीं है नहीं है तो वर्तमान में कार्यरत नहीं याद रखेगा नष्ट हो चुका है इसके बाद जो स्थापित हुआ उसका नाम है मैत्री और मैत्री कब स्थापित हुआ कहेंगे इसका स्थापना हुआ उन्नीस सौ में कार्य कर रहा फर्स्ट क्लास इसके बाद कौन सा भारतीय तो भारती का स्थापना कब हुआ 2012 में और ये भी क्या कर रहा कार्य कर रहा फर्स्ट क्लास बात समझ गए इसी प्रकार से भारत का उत्तरी ध्रुव के पास है ये तो दक्षिणी ध्रुव के पास सभी है ना दक्षिणी गंगोत्री हो गया मैत्री हो गया भारतीय सब दक्षिणी ध्रुव के पास है लेकिन उत्तरी ध्रुव के पास कौन सा है बता दीजिएगा जरा उत्तरी ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव के पास भारत का अनुसंधान केंद्र कौन सा है बताएं उत्तरी ध्रुव के पास नॉर्वे कंट्री में महेश सुचिता सुचिता किट्टू शिशिर बताओ बेटा जल्दी बताइए किट्टू है किट्टू <laughs> महेश बताएं इधर उत्तरी ध्रुव के पास कौन सा अनुसंधान केंद्र है भारत का इधर का सन्नाटा पड़ गया क्लास में विक्रांत ना ही हो विक्रांत अच्छा विक्रांत राजनाम है विक्रांत बोल दीजिए आगे आगे चलते रहिए बढ़ते रहिए जल्दी जल्दी न्यूज पर आया है क्या महेश आंसर बताएं नहीं पता अच्छा ठीक चलिए कोई बात नहीं तो उसका नाम है क्या हिमाद्री है उसका नाम है हिमाद्री याद रखिए उसका नाम है हिमाद्री अनुसंधान केंद्र तो यही हिमाद्री अनुसंधान केंद्र अवस्थित है और कहां पर है तो आप कहेंगे उत्तरी ध्रुव के पास नार्वे कंट्री में स्थापित किया भारत ने अपना अर्थात आर्कटिक महासागर में किया है जो आर्कटिक महासागर है ना इसी महासागर में भारत का हिमाद्री उत्तरी ध्रुव के पास है ठीक है ना चलिए नर्मदा जल विवाद न्याय न्यायाधिकरण की बात हो रहा है नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था तो देखिए एक आया था नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण आया था कब आया था कहेंगे उन्नीस सौ छप्पन ईस्वी में आया था है ना यानी नर्मदा नदी के कार्यक्रम को लागू करने के उद्देश्य से ऐसा लाया गया था तो उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते थे तो याद रखिएगा उसमें गुजरात है महाराष्ट्र भी है राजस्थान भी है मध्य प्रदेश भी है तो ये जो नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण है उन्नीस में आया था नर्मदा नदी नर्मदा नदी के विभिन्न कार्यक्रम को संचालित करने के लिए ठीक है ना ये बात यहां पर याद रखिएगा यार देखा भारतीय रेल संग्रहालय कहां पर है भारतीय रेल संग्रहालय की बात आ रहा है कहेंगे भारतीय रेल संग्रहालय कहां है तो ये तो पड़ता है कहां पड़ता हो क्या आंसर दिया जाए बताइए किटू जल्दी बताएं तो देखिए आपने नाम सुना होगा चाणक्यपुरी का तो ये क्या है चाणक्यपुरी के, तो के, तो के संस्थापक देखा आर्य समाज के संस्थापक चार लोगों का नाम है यहाँ पर इनमें से कोई एक आंसर है तो आर्य समाज का स्थापना देखिए अठारह सो पचहत्तर ईस्वी अठारह सौ पचहत्तर ईस्वी में हुआ किसके द्वारा हुआ तो कहेंगे वो तो हुआ आ, था अठारह में इसका स्थापना होता किसके द्वारा होता है तो आप कहेंगे दया नंद सर, दयानंद सरस्वती के द्वारा होता है अब देखिएगा एक बात याद रखिएगा एक बात याद रखिएगा आर्य समाज के बारे में एक कहां पर स्थापना हुआ था कहेंगे बंबई में हुआ था तो बंबई नाम याद रखिए बंबई तो बंबई में स्थापित हो गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा ठीक है ना दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज स्थापना हुआ था अठारह में ठीक है ना चलिए बॉम्बे नाम याद रखिए अगला देखिए बयालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था लोकतांत्रिक समता धर्मनिरपेक्ष समाजवादी कौन सा हो उड़ीसा से दीपक कुमार गिरी वाह बहुत दिन बाद आए बाबू बहुत दिन बाद आए गिरी जी रामानुज कह रहे हैं समाजवादी समाजवादी कह रहे हैं अच्छा तो यहां पर तो देखा जाए तो यहां धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था समाजवादी भी जोड़ा गया था शब्द जोड़ा गया था ही आपसे पूछा है ये सवाल में कुछ लफड़ा चल रहा है लफड़ा चल रहा है इधर देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो बयालीसवां संविधान संशोधन हुआ था उन्नीस में इसके तहत मतलब एक बार केवल संशोधन हुआ प्रस्तावना में एक बार संशोधन अब तक हुआ है इसके अलावा और नहीं हुआ है तो इस एक बार संशोधन में तीन शब्द जोड़े गए थे एक आपका समाजवादी जोड़ा गया था समाजवादी जोड़ा गया था एक आपका धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था एक आपका धर्मनिरपेक्ष इसी को पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है तो धर्म निरपेक्ष और तीसरा कौन सा कहेंगे अखंडता है वे तीन शब्द जोड़े गए थे अखंडता तीन शब्द जोड़े गए थे अखंडता 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 लिखा जा अखंडता तीन शब्द यही तीन शब्द जोड़े गए थे जो कि धर्मनिरपेक्ष दिया है समाजवादी दिया है तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा है ना इस क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ है यहाँ पर ये दोनों आंसर है यहां पर याद रखिए यही दोनों जोड़ा गया था समाजवादी और धर्म निरपेक्ष को ही पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है अगला देखिए अल्लाह बाबू आपको याद है ना प्रथम विश्व युद्ध में भारत के सैनिक बहुत सारे शहीद हो गए लगभग चौरासी हजार सैनिक शहीद हो गए थे लेकिन उनमें तेरह हजार सैनिकों के आसपास तेरह हजार तेरह हजार सैनिक के आसपास का नाम यहां पर दर्ज है वो कौन सा है तो आप कहेंगे कौन सा है देखा जाए इंडिया गेट बहुत बढ़िया आंसर सही आ गया तो इंडिया गेट को ही कहा जाता कहां पड़ता कहेंगे नई दिल्ली में पड़ता है नई दिल्ली में पड़ता है दिल्ली में इंडिया गेट और याद रखिएगा उन्नीस से लेकर के उन्नीस इक्कीस के दौरान लगभग याद रखिए बयालीस हजार बयालीस हजार सैनिक क्या हुए थे शहीद हो गए थे भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और लगभग तेरह हजार तीन सौ का नाम इस पर दर्ज करके बना दिया गया तेरह हजार तीन सौ सैनिकों का इस पर नाम भी दर्ज है इतने सैनिकों का क्या है नाम इस पर क्या है दर्ज है और जो नाम दर्ज हो गया इन्हीं के सम्मान में जो शहीद हुए थे इंडिया गेट याद रहेगा चलिए बात समझ गए न्यू दिल्ली में पड़ता है ये भी बात करेगी दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है सवाल बड़ा ही आसान सवाल है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में पड़ता है सही बात है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में पड़ता है उसे इंडिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है कोयम्बटूर रामा नूज कुशवाहा कोयम्बटूर आ रहा है शानदार बेटा प्रदर्शन कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है कहेंगे तमिलनाडु में पड़ता है ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है कोयम्बटूर अगर आपसे ये पूछता भारत का मैनचेस्टर अगर आपसे पूछता केवल भारत का मैनचेस्टर पूछता तब आप क्या कहते मैनचेस्टर पूछता तब क्या कहते तब आप कहते वो तो अहमदाबाद है अहमदाबाद का नाम आप याद रखते लेकिन अगर आपसे यही पूछता उत्तर भारत का अगर पूछता उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं तब तो आप कहते कानपुर को कहते हैं अगर आपसे पूरे धरती का पूछता पूरे पृथ्वी का पूर्व का मैनचेस्टर कहता अगर मान लीजिए पूरे धरती का पूर्व का मैनचेस्टर कहता तो ये मैनचेस्टर कौन होता तब आप कहते वो तो ओसाका होता ओसाका जापान का शहर है ओसाका ओसाका कहां का शहर है जापान का शहर है ओसाका तो वास्तव में मैनचेस्टर तो ब्रिटेन में पड़ता है मैनचेस्टर जो शहर है वो पड़ता है ब्रिटेन में पड़ता है है ना तो उसी का कॉपी कर दिया गया वहां जो ब्रिटेन में पड़ता है वह भी बहुत जरा सूती वस्त्र का उत्पादन करता है तो वहां से कॉपी किया गया किसी प्रतियोगिता मैच में एक पारी में एक रन बनाने वाले प्रथम क्रिकेटर का नाम बताना है तो लोकल लेवल पर हुआ था उसका नाम क्या था आप कहेंगे प्रमोड़ धनखड़े धनवाड़े का नाम याद रखिएगा ना धनवाड़े का भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है सबसे बड़ी सिंचाई नहर की बात करता है यमुना नहर इंदिरा नहर रिहंद नहर और ऊपरी दुआब बताइए चारों में कौन सा होगा ऊपरी बड़ी दुआब की बात कर रहा है कौन सा होगा सचिन शिशिर बी कह रहा है अच्छा बी कह रहा है बहुत बढ़िया बेटा एकदम सही आंसर है इंदिरा नहर है याद रखिएगा पहले इसका नाम क्या था राजस्थान नहर इसका नाम पहले क्या था राजस्थान नहर कहा जाता था पहले तो राजस्थान नहर पहले इसका नाम था किसका इसी इंदिरा नहर का और इस इंदिरा नहर में पानी किस किस नदी का जाता है तो आप कहेंगे ब्यास नदी है और सतलज नदी है ये दोनों सवाल आता है ब्यास और सतलज नदी का जो पानी है यही इस नहर में जाता है और ये ब्यास सतलज का जहां मिलन बिंदु है मिलन बिंदु कौन सा है तो आप कहेंगे हरिके बैराज है ये हरिके बैराज नामक स्थान से निकलती है नहर और ये बैराज कहाँ पड़ता है ये पड़ता है पंजाब राज्य में तो पंजाब के हरिके बैराज नामक स्थान से नहर निकाली गई है और ज्यादातर सिंचाई करने के उद्देश्य से कहवा का सिंचाई करने के लिए आप कहेंगे वहां का वहां मतलब राजस्थान का वेटन कप की बात हो रहा वेटन कप वेटन कप वेटन कप का निम्न में से किस खेल से संबंध देखिए कप जो होता है तो हॉकी से होता है वेटन कप का संबंध किससे है हॉकी से याद रखिएगा आगे देखिए नाइट्रीकरण किसके किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया तो यह एक प्रकार का जैविक प्रक्रिया है नाइट्रीकरण अच्छा आपको पता है ना कि इधर देखिए इधर देखिए जैसे मान लीजिए कोई पौधा है मान लीजिए कोई पौधा है ये मान लेते हैं कोई पौधा है तो ये पौधा आपका है पौधों को क्या चाहिए नाइट्रोजन चाहिए पौधों को नाइट्रोजन चाहिए ये पौधा है मान लीजिए तो नीचे यहाँ पर जड़ें सब निकली हुई है इस तरीके से जड़ें ऐसे धरती के अंदर गई हैं तो जितने प्रकार के दलहनी दलहनी फसल होते हैं दलहनी और दलहनी फसल जो होता है इन दलहनी फसलों के द्वारा क्या होता है सर्वाधिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है सर्वाधिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया जाता है कैसे तो इनके जड़ों में यहाँ पर राइब राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं देखिए इनकी जड़ों में क्या है जड़ों में जो गांठ होती है उन गांठों में यहाँ पर राइजोबियम यह पाया जाता है तो क्या है बाबू तो आप कहेंगे राइजोबियम है सर ये राइजोबियम है राइजोबियम ये राइजोबियम क्या है तो राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है यह एक प्रकार का जीवाणु है और वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है इसको क्या करता है इसको खींचना शुरू कर देता है यानी इसको अवशोषित करना शुरू कर देता है तो इस प्रकार से नाइट्रोजन कहाँ पहुँचता है इनकी जड़ों में जो उपस्थित होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया ये इनको खींच लेते हैं इनको खींच ले करके नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं और पौधों को क्या मिल जाता है नाइट्रोजन मिल जाता है यही कारण है कि जितने भी दलहनी फसल हैं वो ज्यादा मात्रा में प्रोटीन का निर्माण करता है तो जो प्रोटीन का निर्माण करता पौधा उसी के लिए आवश्यक होता है नाइट्रोजन तो जैसे आपने सुना होगा Uh, मूंग मूंग का का नाम नाम आप आप सुने होंगे. Uh, so, 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 सुने होंगे होंगे है ना ना सॉरी सोयाबीन 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 जानते हैं तो में क्या होता है सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता कितना आप कहेंगे बयालीस परसेंट इसमें खाली पाया जाता प्रोटीन ठीक है दलहनी तो सोयाबीन एक प्रकार का तिलहनी फसल भी है और दलहनी फसल दोनों के अंतर्गत आता है याद रखिएगा दोनों के अंतर्गत आता है तेल भी निकाला जाता है इससे और प्रोटीन के लिए क्या है प्रोटीन वाला दलहनी फसल भी है तो क्या करता है देखिए अमोनिया अमोनिया को क्या करता में है नाइट्राइट बदलता है है ना अमोनिया का क्या करता है नाइट्राइट बदलने काम करता है तो आपके सवाल का आंसर क्या हुआ ये तीन हो गया आगे देखिएगा केरल में किस मृदा की प्रचुरता पाई जाती है कौन सी ऐसी माटी है जिसकी प्रचुरता पाई जाती है केरल में तो आप कहेंगे केरल की जब भी बात आ जाएगा तो केरल क्षेत्र में कौन सा माटी है कहेंगे लेट्रीनाइट मृदा होती है और यहां इस मृदा में याद रखिए चाय का जो उत्पादन होता है चाय और साथ में कॉफी का चाय कॉफी का उत्पादन होता है यानी जितने भी बागवानी फसल होते हैं तो बागवानी फसलों के लिए बागवानी जो फसल होते हैं बागवानी फसल तो बागवानी फसलों के लिए क्या होता है बहुत ज्यादा उपयोगी माटी होता है पूरे भारत में सर्वाधिक विस्तार किसका है तो कहेंगे जलोड़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार किसका है पूरे भारत में तो सर्वाधिक विस्तार आपका इसी का है लगभग तैतालीस परसेंट भू भाग पर क्या पाया जाता है तैंतालीस परसेंट भू भाग पर खाली जलोड़ मृदा पाई जाती है ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं सूर्य मंदिर की बात करता है सूर्य मंदिर सूर्य मंदिर नाम केवल पूछा है बस देखिए सूर्य मंदिर निम्नलिखित किस राज्य में अवस्थित है तो बताइए दीपक दीपक कुमार गिरी नीरज शिशिर उड़ीसा एकदम सही बात है सूर्य मंदिर का मतलब होता है जो कोड़ार का सूर्य मंदिर उसकी बात कर रहा है खाली बहला कुछला रहा है कोड़ार का सूर्य मंदिर कोरार्क का सूर्य मंदिर है ना इसकी बात कर रहा है देखिए तो कौन है उड़ीसा बहुत आदमी कंफ्यूज किया जाएगा है ना कोड़ार का लिखता तो वो भी सही कर देता इधर देखिए कोडार का जो सूर्य मंदिर कोडार कोड़, कोड़, का जो जो सूर्य मंदिर है कोडार ये कोडार का सूर्य मंदिर है किसको बनवाया किसने था बनवाया बनवाया किसने चलिए कमेंट याद दीजिए एक बार चलो बताओ जल्दी शिशिर दीपक गरिमा सत्यम नीरज के सुशील मुस्कान बता दीजिए एक बार प्लीज बताए हमारा प्यारा उड़ीसा लंगुला नरसिंह देव ने बनवाया था वाह क्या बात है <laughs> बहुत अच्छा दीपक शानदार नो आइडिया तो याद रखिए आंसर तो आ ही गया है देखिए मैदान में आ चुका आंसर है ना नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था किसने बनवाया था नरसिंह देव नरसिंह देव फर्स्ट ने इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था सूर्य को समर्पित मंदिर है ये भी बात याद रखिएगा अगला सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा कौन सा हल्ला बाबू सर्वाधिक ऊंचाई वाला आप बताइए जरा सोचिए आप ऑप्शन से भी सोच सकते हैं जैसे मान लीजिए जो सर्वाधिक ऊंचा होगा वहीं पर होगा है ना अंदाजा भी तुक्का भी मारना होगा तो भी आप बता देंगे ना? तो ये आप है ना तो देखिए ये तिब्बत का पठार आप जानते हैं ना तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है यानी तिब्बत में क्या पाया जाता है आप कहेंगे तिब्बत का पठार है तो तिब्बत का जो पठार है तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है यानी विश्व का सबसे ऊंचा पठार तो यही ना विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है तो आप कहेंगे सबसे ऊंचा पठार यही है सबसे ऊंचा पठार है अच्छा एक सवाल और याद रखिएगा विश्व का छत किसे कहा जाता है दुनिया का छत किसे कहा जाता है विश्व का छत तो विश्व का छत किसे कहते हैं तो विश्व का छत को कहा जाता है किसको तो आप कहेंगे पामीर पामीर पठार को कहा जाता है दुनिया का छत तो तिब्बत का जो पठारी भाग है यहीं पर दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला हवाई अड्डा है दुनिया का सबसे ऊंचाई हवाई अड्डा उसका नाम क्या है तो आप कहेंगे डाओचेंग 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 यार्डिंग याद रखिए क्या है डाओचोंग डाओचेंग यार्डिंग हवाई अड्डा उसका नाम है हवाई अड्डा इसका नाम है अवस्थिति कहाँ है बात आप समझ गए तो चाइना सरकार के द्वारा क्या हुआ था इसका उद्घाटन कर दिया गया था कब तो आप कहेंगे वर्ष 2013 में तो वर्ष 2013 का भी नाम याद रखिए किसके द्वारा उद्घाटन हुआ तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा हुआ तो आप कहेंगे जिसका माल बिकता है टिकता नहीं है चीन सरकार के द्वारा क्या हुआ इसका उद्घाटन कर दिया गया ठीक है ना चलिए चीन द्वारा तो कहां पर पड़ेगा आप कहेंगे एक नंबर होगा इसका माल पानी आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्मकालीन वर्षा सामान्यतः किस ओर कम होती है ग्रीष्मकालीन वर्षा की बात करता है किस समय की बात करता है ये गर्मियों की बात करता है गर्मियों की बात करता है अब इस सवाल का आंसर जरा देखिएगा सर चौंतीस का आंसर एक किसका तो सही तो है सही तो है यह देखिए नाइट्रीकरण किसके द्वारा परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है तो आप कहेंगे अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देता है है ना अम, सही तो है गड़बड़ नहीं है सही है। आगे देखिएगा अगला सवाल है अगला सवाल का आंसर होता है फटाफट बताइएगा जल्दी बताइए ये नाम याद नहीं हो रहा नमुआ तो आ रही है चेंग भुंग जो डुंग फुंग रहे उसको याद करिए चलो बाबू जल्दी बताओ कौन सा ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्मकालीन वर्षा की बात करना लाइए थोड़ा सा आपको समझा देता हूं इसको तो आपके दिमाग में सेट रहेगा यहां पर मैं निकाल लेता हूं मैप ऑस्ट्रेलिया का उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा देखिए जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का ये आपका ये आपका पूर्वी पूर्वी ढलान है ना पूर्वी भाग है ऑस्ट्रेलिया का ये पश्चिमी भाग है तो इस पूर्वी भाग में पाया जाता है आपको पता ही है कि यहां पर पाया जाता है क्या तो आप कहेंगे यहां पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यहां पर क्या है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है क्या है रेंज है

कभी क्या होता है मानसूनी पवन इस तरीके से जब आगे की तरफ बढ़ती है टकरा करके तो हल्की फुल्की बारिश मिलती है इधर यानी इधर भी जाने पर यानी इधर से पश्चिम से यानी पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में जाने पर भी क्या होता है वर्षा की मात्रा घटती है वर्षा की मात्रा क्या होती घटती है इसीलिए सर्वाधिक मात्रा में पूर्वी तट पर ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या निवास करती है यही कारण है साथ में एक बात और याद रखेगा एक, एक ये समय कब का है गर्मी की बात चल रही है लेकिन ठंडियों के समय में क्या होता है ये जो आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है यहां पर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है ये सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती सर्वाधिक वर्षा क्या होती प्राप्त होती कब होती है तो आप कहेंगे शीतकाल में यह काल में, में सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है क्योंकि यहां पर भूमध्य सागरी जलवायु पाई जाती है इसीलिए ठीक है ना बात आप समझ गए यानी पूरब से पश्चिम में जाने पर वर्षा की मात्रा घटेगी उत्तर से दक्षिण में जाने पर भी वर्षा की मात्रा घटेगी गर्मी के समय बात कर रहा हूं और ठंडियों में कहा वर्षा होता ज्यादा यही होता है शीतकालीन वर्षा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसीलिए इन इन क्षेत्रों में क्या होता जितने भी प्रकार के रसीले फल होते हैं संतरा हो गया जितना भी प्रकार का संतरा हो गया अंगूर हो गया सबका क्या होता उत्पादन ज्यादा होता है चलिए भूमध्य सागरी जलवायु है तो ये क्या हो जाएगा आप कहेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर क्या होगा वर्षा की मात्रा में क्या होगी कमी आएगी कम की बात किया है ना तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ऐसा है लोक नृत्य ऐसा है जो असम में फैल कटाई के बाद किया जाता है तो कौन सा है तो आप कहेंगे वो बिहू है बिहू है याद रखिएगा बिहू यानी असम का त्यौहार है समय हो चुका है आगे देखिए रंध्र की बात करता सिंक होल का एक अद्भुत एक अद्भुत घटना है क्या है रंध्र मतलब सिंक होल पृथ्वी के अंदर जिसे उसे क्या कहते हैं कास्ट कहा जाता है कास्ट कास्ट कहा जाता है है ना यानी कह रहा है रंद्र सिंक होल का होना पृथ्वी के अंदर क्या होता है वो कास्ट कहा जाता है है ना याद रखिएगा आगे देखिए समय हो चुका है इसलिए ज्यादा उसमें अब प्रहार बैच में जो जीके जीएस का हमारा टाइमिंग है कल सुबह से आपका स्टार्ट हो जाएगा सुबह ग्यारह बजे तो आपको सुबह ग्यारह बजे आना है और शानदार तरीके से यहाँ पर आप कल वाले वीडियो से आपको लगातार करंट अफेयर भी मिलेगा साथ में स्टैटिक जीके भी मिलेगा अब वो आपका होगा सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा जो एकदम काया पलट सकता है एग्जाम का एस एस का ठीक है इसी के साथ दोस्तों थैंक यू सो मच टेक केयर बाय गुड नाइट फिर मुलाकात होगा कल तब तक के लिए जय हिंद जय भारत